हमने एक जो नया ये प्रावधान शुरू किया है ई भूमि का, इस पहले तो एक्वायर की जाती थी ज़मीनें, लेकिन एक्वायर करने के बजाय हमने ई भूमि का जो सिस्टम शुरू किया है उसके अंदर तीन लेवल पर ये मीटिंग्स होकर के ज़मीन को परचेज करने के लिए नेगोशिएशन से हम पूरा करते हैं। पहला डीसी लेवल पर होता है, दूसरा चीफ सेक्रेटरी लेवल पर होता है, और तीसरा एक हमारी कैबिनेट की एक कमेटी है बनी हुई जिसमें रेट्स जो हैं वो 20% से हायर रेट्स अगर डिमांड किए जाते हैं कलेक्टर रेट से, वो फिर जो हमारी कैबिनेट की कमेटी बनी हुई है हाई पावर परचेज कमेटी, उसमें हम लेकर के आते हैं। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे, लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपए में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। मुख्य मुख्य सौ जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट अनाज मंडी का एक्सटेंशन है सिरसा का, वो लिया गया है। वाटरवर्क्स जींद का वो उसमें ज़मीन खरीदी गई है लगभग 45 एकड़। एक नू का जो मेडिकल कॉलेज है उसका रास्ता वो चौड़ा करना है, उसमें भी 14-16 जो एकड़ ज़मीन है। मंजावली का जो पुल नोएडा को बन रहा है उसमें भी अभी ज़मीन बाकी रहती थी उसको लिया गया है। तो मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, हाँ चौटाला गांव का जो एसटीपी एक वहाँ बड़ा बन रहा है वो भी गांव के लोगों ने ज़मीन वो भी दी है। एक आरओबी का वो लिया गया है गन्नौर में, एक आरओबी है उसकी जो सर्विस लेन है उसके लिए थोड़ा छोटा ज़मीन का टुकड़ा है लगभग आधा एकड़ का। तो इस प्रकार से ये सारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं आज बड़े बड़े जो चंक हैं वो भी और छोटे छोटे टुकड़े भी नेगोशिएशन के माध्यम से और वो सब लिए गए।